दादरी कांड पर जानकारी देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सबसे बड़ी शिकार अगर कोई भी हुआ है तो सबसे बड़ी शिकार बीजेपी रही है असहिष्णुता की। यह मूल निकला है राजनाथ सिंह के इस पूरे बयान का, असहिष्णुता के दो दिन के बहस का। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। प्रमोद तिवारी जी सांसद राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल अंजान साहब नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी हमारे साथ सांसद राज्यसभा से जेडीयू के जुड़ गए हैं। और खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में राकेश सिन्हा जी संघ विचार रखें। सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बहस और उससे आगे क्या हासिल होगा आप तो समझ से परे है, क्योंकि कांग्रेस अपने स्टैंड पर टिकी है और आपने विक्टिम कार्ड खेल दिया है। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही असहिष्णुता की सबसे बड़ी शिकार है, देश क्या समझे अब? देखिए अंजना जी, अभी अभी आप गृह मंत्री का जो वक्तव्य चंद मिनटों पहले आपके यहां दिखाया जा रहा था, दूध का दूध पानी का पानी था कि दादरी के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में न सांप्रदायिक शब्द है न गोमांस शब्द है, यहां तक कि सुनियोजित हत्या की साजिश का भी उल्लेख नहीं है स्पष्ट रूप से। यानी तथ्य और यथार्थ तो यह है। और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को तो जांच करने की संस्तुति नहीं कर पा रही है, हां वहां के मंत्री आजम खान यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की बात कर रहे हैं। यानी फैक्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट उसको सांप्रदायिक नहीं मान पा रही है, केंद्र को संस्तुत नहीं कर पा रही है, मगर सांप्रदायिकता के विषय पर यूनाइटेड नेशंस में उठाएंगे ये ले जा रही। क्या ये अपने आप में, अभी आपने खुद जो बोला, ये बहस कहां जा रही है? ये नहीं समझ में इसलिए आ रहा कि ये बहस किस आधार पे हो रही है, पहले ये तो डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, इस पर मैं सबके रिएक्शन चाहती हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ प्रमोद तिवारी जी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपका वास्ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट में ना गाय का जिक्र है, ना सुनियोजित तरीके से किया गया है, ना सांप्रदायिकता का कहीं जिक्र है, तो फिर क्या आप लोग जानबूझकर रंग रहे हैं? ये सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी का। अगर हम रंग रहे हैं जना जी, तो सारा मीडिया भी रंग रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच है, फैक्ट है कि मंदिर में लोग इकट्ठा हुए, वहां के पुजारी ने कहा कि अखलाक के घर में गोमांस है जिसे वीफ हम लोग कहते हैं, और उसके बाद भीड़ को उत्तेजित करने वाले भाषण हुए, भाषण के बाद लोग गए और जिस बेरहमी के साथ सुनियोजित ढंग से अखलाक को मारा गया है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा जो हमारे माथे पर कलंक है, बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं से एक डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, खासतौर से माइनॉरिटीज के लोगों को। असहिष्णुता के बारे में बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ये अगर जनता से आए तो सरकार का कर्तव्य है उसे दबा दे, कुचल दे, दंडित कर दे, पर जब मंत्री बोलने लगे जो हमारे साथ वो राम ज्यादा और जो हमारे साथ नहीं, अब वो भाषा मैं नहीं दोहराना चाहता, जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने लगे कि बिहार हम अगर हार गए तो पटाखे चलेंगे पाकिस्तान में, क्या आप एक समुदाय को, एक जाति को, एक धर्म को हिंदुस्तान का नहीं मानते? इसी को हम असहिष्णुता कहते हैं। यहाँ सबका धर्म एक है, सबकी राष्ट्रीयता एक है, सबके अधिकार हैं। सरकार विक्टिम कार्ड खेले, ये क्या हो गया? इसका एक कारण मैं बता रहा हूँ। आज 16 साल पहले आज ही के दिन 1 दिसंबर 1999 को बहुत महत्वपूर्ण घटना है। केटी जयकृष्णन, केटी चंद्रशेखरन छठी क्लास में पढ़ा रहे थे, आरएसएस के थे, उनको कक्षा में छात्रों के सामने, अबोध छात्रों के सामने कत्ल कर दिया सीपीएम के गुंडों ने, बाद में उनको फांसी की सजा मिली। तो ये असहिष्णुता किसके साथ हो रहा है? केरल के कन्नूर में 125 आरएसएस के स्वयंसेवकों की हत्या हुई है। मेरा कहना है कि कांग्रेस और वामपंथियों ने जो मृग मरीचिका क्रिएट की थी असहिष्णुता की, उसमें वे स्वयं आज फंस गए। अतुल अंजान जी जल्दी से, देश के हत्यारे कहाँ हैं इसके बारे में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दे, जिस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अरे महाराज दो दो कमीशन बना है, क्या तू रंजन गोपाल गोपाल बोर्ड से, खोसला कमीशन और कपूर कमीशन ने रिपोर्ट दी, आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है? जिनका आदर, बार बार आप आरएसएस पर ये एक्यूज मत कीजिए, आपको हम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे यदि इस तरह के एक्यूजेशन करेंगे तो। अरे जरा चुप रहो यार, क्या चुप रहे हैं आप? दो आयोग बने, आप बार बार आरएसएस पर आप बाकी आरोप लगाइए, अगर महात्मा गांधी का आरोप लगाने में नहीं बोलने दो, जब आरएसएस का विचारक खोसला कमीशन कपूर कमीशन भारत की न्याय व्यवस्था तीनों ने संघ
को उससे अलग किया। अरे न्याय व्यवस्था छोड़ते हैं लोगों ने बोले कि आजादी की हत्या के बाद झाड़ुओं से पीटा था इस देश में। क्या बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा कम्युनिस्ट पार्टी को, स्टालिनवाद की ट्रेनिंग है और आरएसएस में क्या करते हैं, आरएसएस के महात्मा गांधी को बुर्जुआ करने वाले, महात्मा गांधी को इंसल्ट करने वाले, कान पकड़ते हैं, कुत्ता करने वाले हमें रास्ता नहीं आएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक तोजो का कुत्ता किसने कहा, भारत में 19 संविधान सभा बने, आज आप देश के अंदर शांति के नाम पर, जब देश में एक संविधान सभा बन रही थी तो आपने कहा 19 संविधान सभा बने, आपने पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन किया, संकट पैदा कर रहे हो। गंगाधर अधिकारी कौन थे, गंगाधर अधिकारी ने पाकिस्तान आंदोलन के लिए डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, अरे छोड़िए गंगाधर अधिकारी आपका कहां है, जो अपने ही अध्यक्षों की हत्या करवा, इतिहास में रहना कई लोग बहुत ज्यादा उसमें पसंद भी करते हैं, स्मृतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन स्मृतियों से आगे बढ़कर इस वक्त भी पहुंचना बहुत जरूरी है। दादरी और दादरी के बाद इस वक्त के माहौल पर चर्चा करेंगे। पवन जी जल्दी से दो लाइन पर कमेंट आपसे, जिसके बाद हम विपक्ष की मांग की असहिष्णुता पर बहस हो, संसद में यह बहस हुई भी लेकिन अंततः गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सरकार को ही, बीजेपी को ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही असहिष्णुता का शिकार बता दिया। अब सवाल यह है कि इससे हम दो कदम आगे बढ़े क्या, कुछ समझ में आया या कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है इस बहस से। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पवन वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार। अंजना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। जी जी अंजना जी, ऐसा देखिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण राज्यसभा में उदारवादी था, भारत श्रेष्ठ, सबको साथ लेने की बात, पर असल प्रॉब्लम क्या है कि कथनी और करनी में जमीन पर बड़ा फर्क आ जाता है। राजनाथ सिंह जी ने उंगली वहीं रखी जिसके बारे में देश को परेशानी थी, सेकुलरिज्म शब्द के संविधान में आने पर उन्होंने शुरुआत की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, क्या जो बयान, तीन मंत्रियों का नाम लेता हूं मैं, साध्वी निरंजन, वीके सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा और दो बीजेपी के सिटिंग एमपी साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ, क्या ये बयान, मैं औरों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हैं, तीन मंत्री हैं, दो एमपी हैं, क्या ये बयान श्रेष्ठता के मिसाल है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। नहीं है तो कोई कोई नाम के साथ क्यों तीन नहीं? मंत्री दो एक सांसद चीज होती है भाषण देना, ठीक है, तीन मंत्री दो सांसद, इनके बयान सहिष्णुता की मिसाल है। साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बोला उसका खंडन किया, बयान वापस लिया, क्षमा मांगी सदन के पटल पर और प्रधानमंत्री ने भी उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे दी। जनरल वीके सिंह ने जो बोला उन्होंने अपना बयान वापस लिया, खेद व्यक्त किया। गृह मंत्री ने एक प्रकार से मीडिया नहीं चलाया था, वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं कि उनको स्नप किया। बोलने जो महेश शर्मा ने बोला, नहीं मैं एकदम फैक्चुअल बात, जो महेश शर्मा ने बोला, अभी अभी गृह मंत्री ने जो बात सदन के पटल पे रखी है, मुलायम सिंह जी भी वहां मौजूद हैं, क्या वो खंडन कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट जो बता रही है वो हादसा नहीं तो और क्या बता रही है उसको। यही मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने क्या किया, सारे शर्मा जी ने कहा कि अब्दुल कलाम जी नहीं अच्छे भारतीय हैं मुसलमान होने के बावजूद, वो चलिए महेश शर्मा जी का तो उस पर एक्सप्लेनेशन उन्होंने सफाई भी दे दी है पवन वर्मा जी, मगर आप तो अबुल कलाम की जगह सड़क का जब हम नाम रख रहे थे तो औरंगजेब के साथ खड़े हो गए थे भाई। बात दे दीजिए, सफाई दे दीजिए। अरे भाई आप तो अबुल कलाम के नाम पर सड़क रखने की बजाय औरंगजेब के नाम की सड़क के लिए खड़े थे, बाकी छोड़ दीजिए भाई, आपके लिए शायद अबुल कलाम अच्छे मुस्लिम नहीं थे, औरंगजेब ज्यादा अच्छे मुस्लिम थे ना। साक्षी महाराज कहते हैं बलिदान दिवस मनाएंगे, एक चीज बता दीजिए, साक्षी महाराज कहते हैं बलिदान दिवस मनाएंगे जब जहां गोडसे को फांसी मिली। एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इन पांच बयानों को यदि हम मान लें कि आपकी बात हम मान लें कि पांच बयान गलत थे, क्या इन पांच बयानों के आधार पर भारत असहिष्णु है ये पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, क्या इन पांच बयानों के आधार पर संसद की कार्यवाही को रोकेंगे? मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूं, क्या देश हमने जवाब देना चाहता हूं, जनाब जी मैं जवाब देना चाहता हूं, उसका जवाब देना चाहते हैं पवन जी, ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या क्या पांच बयानों पर देश असहिष्णु हो जाएगा? ठीक है, जो ये सवाल मौजूद है, हां नहीं पांचों की व्याख्या की जा चुकी है, सही सवाल है, देश असहनशील नहीं है। मैं देखिए मैं जवाब दे दूं, राकेश जी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा मौजू सवाल है, देश असहनशील नहीं है पर देश को सतर्क रहना है अगर जो उसकी
इनहेरेंट सहनशीलता है उस पर चुनौती आती है, और ये चुनौती कौन दे रहा है? मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो संगठन बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़े हैं। जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी चुने हुए मुख्यमंत्री थे, उन्हें जिस प्रकार के शब्दों का अभिवादन किया गया, आप सहमत हैं कि भारत के 60 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया जाए, इससे बढ़कर असहिष्णुता और संप्रभुता पर हमला स्वतंत्र भारत में आज तक नहीं हुआ? ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पवन जी से ज्यादा अच्छा विचारधारा कर रहे हैं, अखलाक के ऊपर आप आज भी गोडसे का जन्मदिन मनाकर हम लोग भी बैठे हैं। आ रही प्रमोद जी, फौरन आ रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? प्रमोद जी, कुल मिलाकर ये सवाल बार बार ये उठता है, ये सवाल क्यों नहीं आपसे पूछा जाए कि आप मुलायम सिंह यादव पर उंगली उसी सशक्त तरीके से क्यों नहीं उठाते हैं? उन्होंने कह दिया ये हादसा है, ना सांप्रदायिकता का जिक्र किया उस केस में, ना उन्होंने प्री प्लानिंग जिसे आप कह रहे हैं सुनियोजित, उन्होंने उनकी पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने गौमांस का भी कहीं पर जिक्र नहीं किया पुलिस की रिपोर्ट ने, तो मुलायम सिंह यादव तक भी तो पहुंचे है। देखिए एक चीज बताएं हम आपको, बात संसद की हो रही थी, संसद की तरफ से यहाँ केंद्र सरकार होती, इसलिए मैंने केंद्र को उठाया, वरना अगर आपने ही अंजना जी कहा कि मैंने सब कुछ कहा और वो सीधे प्रभावित तो वहां भी करता है ना मेरी। देखिए एक बात मैं बता दूं, आज मैं अभी प्रधानमंत्री जी को सुनकर राज्यसभा में आ रहा हूँ, पवन जी भी वहीं थे। मैं इन सब विवादों में न पढ़ के एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ कि आखिर ये 5 मंत्री जिनका जिक्र हो रहा है या पार्टी के जो उनके पदाधिकारी हैं उस पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड होता है? प्रधानमंत्री जी को बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं, जहाँ नहीं भी बोलना चाहिए कभी कभी वहाँ भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें बोलना चाहिए जो बोलना चाहिए एक बार प्रधानमंत्री जी सख्ती दिखा देते इन मंत्रियों पर, अपने पदाधिकारियों पर, गोडसे की प्रशंसा करने वालों पर, तो आज शायद ये बहस की जरूरत ही नहीं होती। संदेश ऊपर से नीचे की ओर जाता है जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि ये मंत्री, इसलिए गिरिराज सिंह जी साधारण से एमपी थे, उनको आप प्रमोट करके मंत्री बना दे रहे हो, तो असहिष्णुता मोदी जी की चुप्पी से नहीं आ रही है, असहिष्णुता इसलिए आ रही है कि मैं समझता हूं कि एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं और अपने मंत्रियों से बुलवाते हैं, संगठन के नीचे लेवल तक बुलाते हैं। आज डरे हैं लोग, सहमे हैं लोग, और इसीलिए बिहार ने जो एक बहुत ही प्रगतिशील प्रदेश इस मामले में है विचारों के, उसने अपनी अभिव्यक्ति दे दी। ठीक है प्रमोद जी, आपकी बात का जवाब ले, लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। प्रमोद जी की बात का जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी ठीक है सर, इसके बाद आप पूछिएगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए, क्योंकि बड़े ही बेबाक अंदाज में बोलने वाले प्रधानमंत्री आज कूल ठंडे ठंडे नजर आए, और राजनाथ सिंह लगा कि एकदम गर्म होकर बोलते रहे मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर जिस पर देश बहस चाहता है, क्या ये सोची समझी रणनीति थी? क्या प्रधानमंत्री एक एस्केपिस्ट के रूप में आज नजर आए? क्या वो संविधान के इर्द गिर्द बहुत ही मुलायम विषयों पर अटके रहे, जबकि कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आज बात होनी थी जिन पर राजनाथ सिंह ने कहा? देखिए प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही, हमारे सभी मंत्रियों के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से बयान स्पष्टीकरण सब आ चुका है, उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, ठीक है भाई, मगर आपके यहां तो क्या क्या हुआ है भाई? आपके यहां तो राहुल गांधी जी उस बात आज के हालात पे, नहीं मैं आज के हालात पे अभी बताइए, उस इमरान के यहां गए थे कि नहीं जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट देंगे, अगले दिन सेंटेंस के अगले दिन गए थे प्रचार करने? आपके यहां तो प्रधानमंत्री महोदय ये बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, आप ये बताइए आपके यहां तो राष्ट्रपति गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्द बोल चुके हैं, दो गृह मंत्री, चिदंबरम जी दिसंबर
2009 की राज्यसभा की कार्रवाई आप निकाल के देख लीजिए मान्यवर, और जो गृह मंत्री 13 जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे ने बोला, जिसे बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा, उसके लिए तो हाफिज सईद ने बधाई दी थी। अरे आपके यहाँ तो आप हमारे यहाँ वालों को तो फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, उनके खंडन के बाद ये बताइए आपके यहाँ ये गृह मंत्री प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी जी फ्रिंज एलिमेंट है क्या? आप तो ऊपर से नीचे तक नख से शिख तक इस असहिष्णुता और घनघोर सांप्रदायिकता में डूबे हुए हैं। पवन जी एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। पवन जी, अतुल जी इसके बाद फौरन आपके पास आ रहे हो। पवन जी जल्दी से पूछिए। अच्छा जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है सुधांशु जी से। हाँ। अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है सुधांशु, और आप भी जानते हैं कि किस हद तक वहां धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंसा और घृणा पैदा करने की कोशिश की, और वो कोई और नहीं थे, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो भाषण देना राज्यसभा में एक बात होती है, जमीन पे क्या रहा उसको देखिए। आपने कहा कार्यवाही की गई और साध्वी निरंजन ज्योति की बात का खंडन किया गया। उसी दिन शाम को वेंकैया नायडू जी ने कहा कि उनका पूरा इस्तेमाल होगा दिल्ली के असेंबली इलेक्शन के प्रचार में, और वो पूरे प्रचार में रामजादे का वर्ड यूज करने के बाद मुस्कुरा करके चुप हो जाती थी बिना कहे हुए दूसरा शब्द, और उसी आधार पर प्रचार हुआ। ये खंडन करने वाली बात होती है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। मैं हिंदू हूं, मुझे मैं शर्मनाक हो जाता हूं जब इस तरह का इस्तेमाल हिंदू धर्म का होता है। सुधांशु जी, एक वक्त था जब बार बार ये कहा जाता था कि बीजेपी की सुई वहीं पर अटक जाती है, राम 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 आप लोग राम मंदिर वहां अटकते हैं। अब हमें लगता है कि आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो आपके मंत्री से लेकर सांसद से लेकर अध्यक्ष तक जिसका जिक्र करते हैं, उस पाकिस्तान पर क्यों आपकी धुरी इतनी अटक गई है? अंजना जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगाया गया कि हमने उन्होंने बिहार चुनाव के दौरान कहा कि यदि भाजपा हारी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। आज पूरे देश ने देखा है, ये तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में पटाखे फोड़ेंगे। जो हुआ है वो क्या हुआ है, ये देश ने नहीं देखा क्या? दूसरा, मैं पवन वर्मा जी से ये भी कहूंगा कि उन्होंने बिहार के चुनाव में सांप्रदायिकता के विषय का बड़ा विषय उठाया, धार्मिक ध्रुवीकरण का विषय उठाया। देखिए दोहरा चरित्र क्या होता हम इसे कहते हैं। नीतीश कुमार जी किसी तांत्रिक के साथ नजर आए थे, वो व्यक्तिगत है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मगर इसका मतलब आप धर्म में इतनी आस्था रखते हैं, मगर जब आप शपथ लेते हैं तो सत्य निष्ठा की शपथ लेते हैं, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते। यानी आपके राजनीतिक चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र में कितना भारी अंतर है यह दिखाई पड़ता है, और पाकिस्तान में पटाखे कौन फोड़ रहा है यह दिखाई पड़ता है। कहां गलत कहां हम में से किसी ने बताइए, नहीं नहीं ये कहां पहुंच गए। मैं ना डिबेट किस तरफ जा रहा है, ठीक है ठीक है, ये लोग भी समझ रहे हैं कहां जा रहे हैं। अतुल अंजान साहब, अतुल अंजान जी जल्दी से आपके पास आते हैं, बताइए प्रमोद जी आपके नेताओं ने जाके पाकिस्तान में पटाखे फोड़े कि नहीं, कि मोदी को हटाओ, जनरल मुशर्रफ अच्छे व्यक्ति थे, आप खंडन करते हैं इसका? अतुल अंजान नहीं करते तो क्या किया जाए? क्या अगर इन्होंने कह दिया है तो आप कह दिया है तो मुझे मुझे स्पष्टीकरण देने दे। ठीक है प्रभु जी, स्पष्टीकरण दे दे, उसके बाद अतुल जी फौरन आपके पास। एक बात पे छोटा सा, हां मणिशंकर जी मेरे बगल बैठते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा जो त्रिवेदी जी कह रहे हैं। अरे सलमान साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ये कह रहे मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरे देश ने मीडिया में देखा है। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, आपकी भारतीय जनता पार्टी को हाथ की सफाई बहुत आती है, पैकेजिंग और हाथ की सफाई में आप माहिर हैं। अच्छा है पब्लिक पे नहीं करते हैं, वरना तो पता नहीं क्या हो जाए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप पूरे ले लें वक्तव्य को और एक लाइन बोल दें, एक लाइन बोल दे और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार करें। यही करके जनता को धोखा देकर आप राजनीति करते हैं। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी को हमने खोया है, हमने राजीव गांधी को खोया है, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़े हैं। चुपचाप जाके लंदन में जो नवाज शरीफ ने आज सुबह कहा है सुन लीजिए, उन्होंने कहा मैंने पहल नहीं की, पहल नरेंद्र मोदी जी ने की, सीमाओं पर गोली चले, उसके बाद हमारे आतंकवादी गतिविधियां हो और आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। जब तक गोली चलेगी तब तक गोली नहीं होनी चाहिए। बहस भटक जाएगी सर, बहस भटक जाएगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। अतुल जी, अतुल जी, अतुल जी नहीं, सुधांशु जी अभी मुझे रोकना पड़ेगा आपको, सुधांशु जी आपको रोकना पड़ेगा, अतुल जी शामिल नहीं हो पाए इस बहस में। अतुल जी मेरा सवाल आपसे ये है और आपसे भी राकेश जी, एक सेकंड सर प्लीज, आप दोनों से मेरा निवेदन है प्लीज सर,
अतुल अंजान जी, क्या कुछ मंत्रियों कुछ सांसदों के बयान पर देश की छवि खराब हो रही है? देश की छवि खराब करने का ये दाग आप लोगों पर इतना ही नहीं लगेगा? अतुल अंजान जी, मेरा आपसे सवाल है, देश की छवि खराब कर रहे हैं आप लोग मिलकर? आप इन लोग कर लेंगे इनको बात, तो फिर मैं बात करता हूं, पहल पे बात नहीं हुई मान जाएंगे। अतुल अंजान जी, देखिए अंजना जी, इतनी देर से मैं सबकी बात सुन रहा था, तत्काल मैं एक दो मिनट में बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। ये जो चर्चा हो रही है सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता, ये सब बातें ठीक है, अच्छी है, और प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, बात हो गई। क्या दुनिया के लोग मूर्ख है क्या? आप 8% और 7.5% की ग्रोथ की बात करते हैं, और आप जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, आपके मंत्री जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह के माहौल है, कोई हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने आएगा? चाहे आप इसका यू ओपन द वूम ऑफ इंडियन इकॉनमी, इवन देन नोबडी इज गोइंग टू कम हियर ओवर फॉर द इन्वेस्टमेंट। एक बात, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर गरीबी महंगाई आप रोक, किसकी चर्चा ही नहीं है, बड़ा अच्छी बात हो गई। 200 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही हो और हम अहिष्णुता और सहिष्णुता के बीच में फंस करके उनको, आम लोग हमारे, हम एक गांव में गए, हम अपने इलाके में, लोग कहे भैया ये असहिष्णुता क्या चीज होती है जिस पर बहस चल रही है, तो हमने उनको बताया कि सहिष्णुता का क्या मतलब है और असहिष्णुता का क्या मतलब है। हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि हर साल रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिला कि नहीं मिला। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ गिर गया है, जो हमारा एक साल में, जब सितंबर 2014 में हमारे पास 28 बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया था, जो घट करके सितंबर 2015 में सिर्फ 21 बिलियन डॉलर रह गया। ठीक है, आपकी इसी बात से राकेश, आखिरी सवाल, एक सेकंड में आपको सवाल सुनना पड़ेगा। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि जब तक हेट इन इंडिया रहेगा तब तक मेक इन इंडिया नहीं होगा, जब तक हेट इन इंडिया रहेगा तब तक मेक इन इंडिया नहीं होगा, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, एक हिंदी का कहावत है, हेट आया पहाड़ के नीचे। आज तक जो अवार्ड लौटा रहे थे, जो लोग कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कुलवर्गी की हत्या, अखलाक की हत्या। जब संसद में बहस हुई और राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हम अपनी सीमाओं से हटकर यदि राज्य सरकार को या तो निरस्त कर दें, सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने मांग नहीं की, तब अब ये पांच मंत्रियों के बयान पर अटक गए हैं। और यदि पांच मंत्रियों के बयान पर आपको आपत्ति है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्रियों का बयान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोकतंत्र में हुए परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं कहूंगा, विपक्ष की लोकतंत्र के प्रति असहिष्णुता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। तीन मंत्रियों का बयान, दो सांसदों का बयान आपको छोटी चीज लगता नहीं है? मतलब आपके मंत्रियों का, आपके सांसदों के बयान को ये देश गंभीरता से नहीं ले रहा है? उन बयानों को आप गंभीरता से लीजिए, लेकिन सवाल उठता है क्या संसद की कार्रवाई रोकी जानी चाहिए? क्या देश में और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है? और उन बयानों में, सभी बयानों पर कभी किसी प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सफाई दी? और यदि बयानों की चर्चा हो तो रक्तपात की बात किसने की संसद में? स्वतंत्र भारत के इतिहास में संविधान लागू होने के बाद यदि किसी व्यक्ति ने संसद के भीतर देश में रक्तपात की बात की तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी की उपस्थिति में किया। वक्त की बहुत कमी है, इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि दो दिनों की ये बहस चली, इस बहस से क्या हासिल हुआ, क्योंकि जो जहां पर था वहीं पर खड़ा है। अब इसे सहनशीलता कहिए या उनकी असहनशीलता, लेकिन इन दो ध्रुवों के बीच देश अटका हुआ है। बहरहाल, उम्मीद यही कि अब आगे संसद चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हम का मंत्र दिया है, कहते हैं अब मैं नहीं हम की बात होगी। क्या वाकई उनकी राजनीति में भी एक बदलाव का मोड़ हम देखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखते रहिए आज तक। की बड़ी खबर, पैलेस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। दो दिन के इस